मेरा बहुत 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 पुराना और बहुत प्यारा दोस्त है। मुझे पता भी नहीं था, ये पहले पीआर करते थे ज़्यादा, मुझे पता भी नहीं था इतने खूबसूरत डिज़ाइनर है। और मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ कि मुझे बताया क्यों नहीं पहले, एक साल से यहाँ है। लुक एट व्हाट इज़ वेयरिंग, आई लव व्हाट इज़ वेयरिंग। और अंदर बहुत खूबसूरत कुर्ते हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। इनफैक्ट बॉम्बे का वेदर ऐसा, मुंबई का वेदर ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जैकेट्स पहने, तो मुझे ऐसे कुर्ते बहुत पसंद है। एंड रिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ब्लेस्ड। ही डजंट रियली नीड द लक बिकॉज़ द कलेक्शन इज सो ब्यूटीफुल, बट तो बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे जब आपने लिया है, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्होंने इतना टाइम निकाल के इधर आ मेरे को सपोर्ट करने, रियली मीन्स अ लॉट। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू, एंड इनफैक्ट इट इज वेल वर्थ इट। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी, ये तो सबसे पहला कोलैबोरेशन हो गया, ये इनका ही है, ये नफ्स का ही है, नफ्स एंड आज़र। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, थैंक यू, ब्यूटीफुल नेम। ठीक है, थैंक यू। सो बेसिकली मैं बहुत, मतलब ऐसे मैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, बट ग्रेजुअली जब पीआर, लाइक आई थिंक 10-15 सालों से पीआर करते हुए, लग्जरी और फैशन ब्रांड्स मैनेज करते हुए, एक आइडिया, एक इंक्लाइनेशन था कि कभी मैं अपना खुद का ब्रांड शुरू करूँ। फिर मेरे दोस्त से मैंने बात की और हम दोनों ने डिस्कस करके ये ब्रांड हम लोगों ने लास्ट मई में हमने शुरू किए थे, और आज हमारा ये फोर्थ कलेक्शन है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। कलेक्शन का नाम महरू है, और बेसिकली महरू उर्दू में मूनलिट फेस को कहते हैं, मतलब चांद जैसा चेहरा। बट यहाँ पे मैंने एक इसको एक मेटाफोरिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि बाहरी खूबसूरती ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, अंदर ही खूबसूरती भी इम्पॉर्टेंट होती है, और हमारे ये कलेक्शन आपकी वो अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। और बेसिकली पूरा इंस्पिरेशन ये कलेक्शन का मुग़ल आर्किटेक्चर और फ्लोरल मोटिव्स है, और इसको हमने बहुत ही सिंपल और वेरिएबल रखने की कोशिश की है। हमने मशीन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी जिसमें कसब का काम, पीटा वर्क का काम, ये सब को हमने इनकॉर्पोरेट किया है मिरर वर्क के साथ। और सबके लिए सब कुछ है, जो मतलब अगर डे वेयर में पहनना चाहता है, कोई घर की पूजा में पहनना चाहता है, ईद में पहनना चाहता है, दिवाली में पहनना चाहता है, शादी में, संगीत में पहनना चाहता है, या अगर शादी में गेस्ट बन के जा रहा है कोई बंदा, या ग्रूम्स का दोस्त है, तो सबके लिए सब कुछ कुछ ना कुछ है। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मुझे बहुत पहले से फेथ था रिजवान पे कि ही हैज़ अ डिज़ाइनर हिमसेल्फ, तो जो जितने भी आउटफिट्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, आप देख सकते हो जैसे भी डिज़ाइन है, तो बस यही बात है। इतने सारे डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है, पीआर किया, उनका उनकी क्वालिटीज़ को मीडिया के सामने रखा है, कौन से ऐसे डिज़ाइनर हैं जिससे आप इंस्पायर होते हैं और पर्सनली आपको उनकी डिज़ाइन बहुत पसंद है, और मतलब आप उनके डिज़ाइन को लेकर इंस्पायर होकर फिर आपने फैसला किया? सो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं और सबकी अपनी अपनी खूबी है, क्वालिटी है, बट मेजरली फराज़ मनान जो कि एक दुबई बेस्ड डिज़ाइनर है, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और मुझे उनकी डिज़ाइंस बहुत पसंद है। और मैं ऑब्वियसली आई एस्पायर टू बी ऑन दैट लेवल वन डे इंशाल्लाह। सो बेसिकली फेस्टिव सीज़न के लिए हमने बहुत सारे कुर्ते और जैकेट्स बनाए हैं, हमने बनगला का एक मॉडर्न वर्जन भी बनाया है, क्रॉप बनगला, हमने बंडीज़ को अगर आप देखोगे पुरानी सूफी कोटीज़ जो पहनते थे, लखनवी कोटीज़, उसको हमने एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट किया है, उसमें हमने कसब और दोरी, रेशम दोरी वर्क का काम करके उसको हमने एक मॉडर्न और टिल ट्रेडिशनल एज दिया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप अजाम बांद्रा में आकर देख सकते हैं हमारा नया कलेक्शन,
और आपके शादी और कोई भी फेस्टिवल्स के लिए खरीद सकते हो। ऑल्सो विंटर सीजन शुरू हो चुका है, क्या टिप्स देना चाहेंगे जो ऑडियंस, क्या क्या पहनना चाहिए, क्या टिप्स होगी आपकी? सो विंटर्स बॉम्बे में एक्चुअली विंटर नहीं होता है, बट जनरली जो दूसरे शहरों में है वहाँ के लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादातर न्यूट्रल कलर्स पहनिए, लेयरिंग करिए, लेयरिंग सबसे बेस्ट होता है बिकॉज वो आपके बॉडी को, आपके स्टाइल को एक्सेंचुएट करता है। सो दैट्स व्हाट आई। वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको सपोर्ट करने यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसको आप पर्सनली डिज़ाइन करना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे, अभी तो हमने शुरुआत की है, बट अभी हमारे हमें शुरू होके ही एक साल हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्टर्स ने सपोर्ट किया है। गणपति पर रणबीर कपूर ने पहना था हमारा कुर्ता, फिर अभी दिवाली पर पुलकित सम्राट ने, जो उनकी शादी में मुझसे बनवा के लिया था, वो उन्होंने दिवाली पे पहना, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, रितेश देशमुख और उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत बार हमारे आउटफिट्स पहनते हैं, अंबानी वेडिंग में उन्होंने पहना था, फिर उनके बिग बॉस के एपिसोड में एक धोती और कुर्ता और बंडी हमने स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन की थी, वो पहने थी उन्होंने। थैंक यू।